गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी होपफुली आप घर पे सब ठीक ठाक होंगे मैं रोहित सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स और इसके जो फोर्टी फाइव जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो आपके के वी एस में एन वी एस में एच टेट में पूछे जाते हैं और अगर आप मान लीजिए नीट की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों तो इसलिए आप मेरी इस वीडियो को कम से कम दो या तीन बार जरूर देखें अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे और आप अच्छे से आप अपना एग्ज़ाम दे पाएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा क्वान्टजोम्स आर प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी बॉडी या फिर लाइजोजोम तो आपका जो सही जवाब है वो क्या है क्लोरोप्लास्ट क्वांटाजम्स किसमें प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है द सी फोर प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिकली मोर एफिशिएंट देन द सी थ्री प्लाट बिकॉज आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर द कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट इज मोर कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड ड्यूरिंग फोटो रेस्परेशन इज ट्रैप्ड एंड रिसाइकल थ्रू द पी ई पी कार्बोक्लेस या फिर द कार्बन डाइऑक्साइड ई फ्लक्स इज नॉट प्रिवेंटेड या फिर दे हैव मोर क्लोरोप्लास्ट तो क्वेश्चन नंबर टू का जो सही जवाब है वो क्या है सी द कार्बन डाइऑक्साइड ई फ्लक्स इज नॉट प्रिवेंटेड देखिए द दी फोर पाथवे अलाउज टू अकर एट फोटोसेंथे वेरी लो कंसनट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एज पी ई पी कार्बोक्लेज हैज एन एक्सट्रीमली हाई एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड दिस पाथवे इज ऑल्सो वर्क वेल एट हाई टेम्परेचर एंड लाइट इंटेंसिटी इनेबलिंग Efficient photosynthesis in tropic plants. So, that is why your answer is the C option is your correct. Question number 3 photorespiration is favored by high oxygen and low carbon dioxide, low light and high oxygen, you have a low temperature and high oxygen, you have a low oxygen and high carbon dioxide. देखिए फोटो रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो किसको फेवर करेगा वो फेवर करेगा हाई ऑक्सीजन एंड लो कार्बन डाई देखिए देखिए फोटोरेस्पिरे जो फोटोरेस्पिरेटरी लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अक व्हेन रूबिस्को स्टार्स फंक्शनिंग एज एन एक्सीजनेज इन स्टेट ऑफ द कार्बोक्सिलेज अंडर कंडीशंस ऑफ हाई एस्ट एंड लो कार्बन डाइऑक्साइड क्वेश्चन नंबर फोर विच वन इज़ द करेक्ट समरी इक्वेशन ऑफ फोटोसेंथेसिस ये तो आप देखते ही आप बता देंगे कि करेक्ट समरी कौन सी है और फोर्थ का जो सही जवाब है वो क्या है डी है क्वेश्चन नंबर फाइव सी फोर एसिड फॉर्म्ड इन द मीजोफेल ऑफ सी फोर प्लांट्स लीफ ड्यूरिंग फोटोसेंथेसिस इज सी फोर एसिड फॉर्म्ड इन द मीजोफेल ऑफ सी फोर प्लांट्स लीफ ड्यूरिंग फोटोसेंथेसिस इज ओ ए मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड पायरोविक एसिड सक्सेनिक एसिड या फिर फोमेरिक एसिड तो क्वेश्चन नंबर जो फाइव है उसका जो सही जवाब है वो क्या है ओ ए हम इसको मैलिक एसिड भी बोलते हैं या फिर एस्पार्टिक एसिड भी हम बोलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स द ऑर्गेनलीज विच टेक पार्ट इन फोटो रेस्पिरीशन आर आपको बताना है कौन सी ऑर्गेनली फोटो रेस्परिएशन में यहाँ पे अपना योगदान देती है क्लोरोप्लास्ट माइटोकोड न्यूक्लियस क्लोरोप्लास्ट इटोकॉन्ड्रिया लाइजोजॉम्स माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट फिर माइटोकॉन्ड्रिया लाइजोजोम और फिर तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सी का जो सही जवाब है वो क्या है माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट और फोटो रेस्पिरेशन में क्या करते हैं ये अपना योगदान देते हैं देखिए द प्रोसेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन रिक्वायर थ्री सेल ऑर्गनलीज माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट एंड फिरोक्सिजोम्स क्लोरोप्लास्ट ग्लाइकोलेट इज फाउंड फ्रॉम द रूबिस्को बाईफेट विच पासज इन टू द पिरोक्जाम टू बी द चेंज इन टू द गाइकोक्लेट इन द इन दिस रिएक्शन एच टू ओ टू इज य तो भाई यहाँ पर अगर देखा जाए ना तो ये जो आपका जो सी ऑप्शन है वो क्या है बिल्कुल करेक्ट है आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ क्वेश्चन नंबर सेवन आपकी स्क्रीन पर है आप अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर सेवन है ग्रहना आर प्रेजेंट इन साइड द ग्रहना सभी बच्चों को मालूम है कि ग्रहना कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्डिया क्लोरोप्लास्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर राइबोसोम्स। तो क्वेश्चन नंबर सेवन का जो सही जवाब है वो क्या है क्लोरोप्लास्ट चलिए क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट अगर हम देखें द फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ आपको फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन बताना है उसकी रेंज कितनी होती है उसकी वेवलेंथ की रेंज कितनी है तो उसकी जो वेवलेंथ की जो रेंज होती है वो होती है बच्चों फोर टू द सेवन हंड्रेड नैनो मीटर द फोटो सिंथेसिस टेक्स प्लेस ओनली इन द विजिबल पार्ट द फोर टू सेवन हंड्रेड नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक रेडिएशन हैंड दिस कंपोनेंट कंप्राइज द फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन है विच ऑफ़ द फोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है सी थ्री प्लांट रिस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर शो हायर फोटोसेंथेटिक रेट वैल सी फोर प्लांट्स हैव लोअर ऑप्टिमम टेम्परेचर दूसरा है ट्रॉपिकल प्लांट्स हैव हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम दैन द प्लाट्स अडेप्ट टेम्परेट क्लाइमेट लाइट रिएक्शन इज लेस टेम्परेचर सेंसेटिव देन डार्क रिएक्शन या फिर द इफेक्ट ऑफ ए वाटर एज ए फैक्टर इज मोर थ्रू इट्स इफेक्ट ऑन प्लांट रेदर डायरेक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस तो आपका जो इसमें जो गलत है वो बताना है तो गलत कौन सा है पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या है गलत है क्वेश्चन नंबर टेन कीमोस कीमोस्मोटिक हाइपोथिस गिवन बाई पीटर मिशेल प्रपोज द मैकेनिज्म ऑफ ये है भाई कैमोस्मोटिक ये पीटर मिकेल ने दिया था किस प्रोसेस के मैकेनिज्म के ऊपर दिया था तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है सिंथेसिस ऑफ ए के ऊपर दिया था रुबिस्को स्टैंड रुबिस्को को आपको बताना बता है कि फुल फॉर्म बतानी है रुबिसको की तो क्वेश्चन नंबर इलेवन का जो सही जवाब है वो क्या है भाई रुबिसको का राइबुलोज बाईस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज याद रखना राइबुलोज बाईफेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इज विच एंजाइम इज मोस्ट एबेंडेंट फाउंड ऑन अर्थ आपको बताना है ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एस्टेड में भी आ चुका है और साथ में नीट में भी ये कई बार पूछा जा चुका है तो इसका जो सही जवाब है जो एंजाइम सबसे ज़्यादा अर्थ के ऊपर पाया जाता है उसका नाम क्या है तो उसका नाम है बच्चों रोबिस्को रोबिस्को इज द एंजाइम इन्वोल्ड इन द कैलविन साइकिल नाइट्रोजनिस कैटेजिज कैटलिज नाइट्रोजिनेशन इनवर्टेज कैटेलिज ब्रेकिंग ऑफ सुक्रोज टू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन द फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड असेप्टर इन सी फोर प्लांट इज तो वो कौन सा है भाई वो है फोस्फो इनोल पायरोट फोस्फो इनोल पायरुवेट यहाँ पर आपका क्या है बिल्कुल सही जवाब जिसको हम पी ई पी के नाम से क्या है जानते हैं द फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड असेप्टर इन सी फॉर प्लांट इज पी ई पी क्वेश्चन नंबर फोर्टीन आपकी स्क्रीन पर है

विच एलिमेंट इज रिक्वायर्ड इन द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन पोलन ग्रेन की जर्मिनेशन के लिए कौन से एलिमेंट की आवश्यकता होती है क्लोरीन पोटासियम कैल्शियम या फिर बोरोन तो आपका सही जवाब है यहाँ पर बोरोन चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन की तरफ क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन आपकी स्क्रीन पर है इन कैम प्लांट द कंसनट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड इंक्रीज ड्यूरिंग द डे डिक्रीज ड्यूरिंग द डे इंक्रीज ड्यूरिंग नाइट या फिर डिक्रीज और इंक्रीज ड्यूरिंग डे तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का जो सही जवाब है वो क्या है इनक्रीजेज ड्यूरिंग नाइट नाउ द क्वेश्चन नंबर सेवनटीन आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है फोटो रेस्पिरेशन इज़ ए मेटाबॉलिक एक्सपेंसिव पाथवे हुए फोटो रेस्परेशन इज अवॉइडेड वेन कार्बन डाइऑक्साइड इज अबंडेंट फोटो रेस्परेशन रिजल्ट इन ए लॉस ऑफ यूजेबल कार्बन डाइऑक्साइड या ऑल ऑफ द अबो तो क्वेश्चन नंबर जो सेवनटीन है उसका जो सही जवाब है वो क्या है ऑल ऑफ द अबो क्वेश्चन नंबर एटीन द जेड स्कीम रेफर्स टू द टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स फाउंड इन एरियाज विद मिनिमल प्रेसिपिटेशन द पैटर्न ऑफ ग्रेना विद इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ फोटोसिंथेटिक प्लांट या फिर द द्ला द कार्बन फिक्सेशन प्रोसेस विच इज ऑल्सो नोन एज द कैलविन साइकिल या फिर एन एनर्जी डायग्राम फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट जो आपका जो सही जवाब है वो क्या है लास्ट वाला है तो जेड स्कीम किसके ऊपर रेफर करती है एन एनर्जी डायग्राम फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लाइट रिएक्शन ऑफ द फोटो सिंथिस इन द प्लांट्स क्वेश्चन नंबर नाइनटीन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन इज ऑन योर स्क्रीन विच वन इज ए सी फोर प्लांट आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सी फोर प्लांट है पपाया पी पोटैटो मेज और कॉर्न तो नाइनटीन का जो सही जवाब है वो क्या है मेज एंड कॉर्न इज द सी फोर प्लांट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इन एन एक्सपेरिमेंट मैच्योर लीवस ऑन द प्लान वन एंड क्लोज फॉर ए फिक्सड अमाउंट ऑफ टाइम इन ए ट्रांसपेरेंट बैग देर हैड रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट विल मैक्सिमम रेडियो एक्टिविटी बी फाउंड आफ्टर सम टाइम एक्टिवली ग्रोइंग लीव्स गार्ड सेल्स ऑफ द ऑफ ऑल द लीवस या इन मैच्योर लीवस या सैनिसिंग लीवस एंड रूट्स तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का जो सही जवाब है वो क्या है ए एक्टिवली ग्रोइंग लीव्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन वेन ए फोटोसिंथेटिक प्लांट इज ट्रांसफर टू एन एटमोसफियर ऑफ इनरिज ऑक्सीजन इट्स रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वुड इनक्रीज फोटोसिंथेसिस वुड डिक्रीज रेस्पिरेशन वुड डिक्रीज या फिर ऑसमोसिस वुड इनक्रीज तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन का जो सही जवाब है वो है फोटोसिंथेसिस वुड डिक्रीज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू इन सी फोर प्लांट्स एग्रेनल क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन मीजोफिल सेल्स एपिडर्मल क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन स्टेम बंडल शीत सेल्स या क्लोरोप्लास्ट ऑफ गार्ड सेल्स तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू का जो सही जवाब है वो क्या है बंडलशीत सेल्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री ऑक्सीजोम्स और एफ नॉट टू एफ वन पार्टिकल्स आर कर्स ऑन थे माइट्रोकॉन्डिल सरफिश इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन या क्लोरोप्लास्ट सरफेस तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री का जो क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जहाँ पर आपको एफ नोट एफ वन पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे जिनको हम ऑक्सीजन कहते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर फोटोरेस्पिरेशन इज फेवर्ड बाय हाई ऑक्सीजन एंड लो कार्बन डाईऑक्साइड लो लाइट एंड हाई कार ऑक्सीजन लो टेम्परेचर एंड हाई ऑक्सीजन या लो ऑक्सीजन एंड हाई कार्बन डाइऑक्साइड तो आपका जो 24 का जो सही जवाब है वो क्या है ए हाई ऑक्सीजन एंड लो कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा ये क्वेश्चन पूछा गया इसमें क्वेश्चन नंबर 25 है इन द लीव्स ऑफ सी फॉर प्लांट मैलिक एसिड फॉर्म ड्यूरिंग कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन अस इन द सेल्स ऑफ बंडल बंडलसी फ्लोएम एपिडर्मिस या फिर मीजोफिल सेल्स तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का जो सही जवाब है वो क्या है मीजोफिल सेल्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स ये आप देख पा रहे हैं ये जो ग्राफ है नीचे रिलेशन बिटवीन लाइट इंटेंसिटी एंड द गिविंग ऑफ एंड टेकिंग अप कार्बन डाइऑक्साइड बाय द लीव्स ऑफ ए प्लांट वाई इज मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड गिवन ऑफ व्हेन द लाइट इंटेंसिटी इज यूनिट्स तो आप सबसे पहले ये देखिएगा ये जो ग्राफ आपको नज़र आ रहा है इस ग्राफ में आपको लाइट इंटेंसिटी नीचे नज़र आएगी आपको और साथ में आपको यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गिवन ऑफ एम जी पर फिफ्टी सेंटीमीटर स्क्वायर पर आवर दिखा रखा है आपको कार्बन डाइऑक्साइड टेकन ऑफ द फिफ्टी सेंटीमीटर स्क्वायर पर आवर आपको यहाँ पे दिखाया गया तो ये आपको इस तरीके का जो स्ट्रक्चर जो नजर आ रहा है तो इसको आपको बताना है बिकॉज इट इज़ जस्ट द स्टार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट या फिर आप कहेंगे ओनली रेस्पिरेशन इज टेकिंग प्लेस एट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट या फिर ओनली फोटो सिंथेसिस इज टेकिंग प्लेस एट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट या फिर द रेट ऑफ इज इक्विवेलेंट टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स का जो सही जवाब है वो क्या है ओनली रेस्पिरेशन इज टेकिंग प्लेस एट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन इन फोटोसिस्टम फर्स्ट द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज देखिए फोटोसिस्टम फर्स्ट के अंदर सबसे पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा है साइटोक्रोम प्लास्टोसाइन एंड आयरन सल्फर प्रोटीन या फिर तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन उसका जो सही जवाब है वो क्या है एन आयरन सल्फर प्रोटीन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है एच क्यू एस नॉट वाटर इज इन्वॉल्व इन द फोटोसेंथेस ऑफ पर्पल सल्फर बैक्टीरिया लाइट एंड डार्क रिएक्शन आर स्टॉप इन द एबसेंस ऑफ लाइट या फिर कैलविन साइकिल अकर्स इन द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट या फिर एटीपी इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन वाया कीमियामोसिस तो आपका जो सही जवाब है वो क्या है यहाँ पर मतलब जो गलत है बिल्कुल वो कौन सा है यहाँ पर कैलविन साइकिल अकर्स इन द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट ये बात क्या है यहाँ पर गलत है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन गिवन बिलो द पाथवे ऑफ द लाइफ रिएक्शन आइडेंटिफाई गिवन ब्लैंक्स आइडेंट इंडिकेटेड बाई ए बी सी डी ई आपको यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ ये ए बी सी डी ई आपको यहाँ पर नोट करना है कि भाई ए क्या है बी क्या है और सी क्या है और डी क्या है तो आपका जो इसमें जो सही जवाब रहेगा वो भी आपको दिखाएंगे लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिएगा ए को पी सेवन हंड्रेड एस प्लस एसेप्टर पी सिक्स एटी एन मतलब ये सारी चीज़ दी गई हैं तो इसका जो करेक्ट जो ऑप्शन है जो सही जवाब है अगर आप उसको ग्राफ को देखोगे अच्छे तरीके से चार्ट को देखोगे तो उसका जो सही जवाब है वो है डी पहला तो क्या है फोटो सिस्टम है फिर इलेक्ट्रॉन असेप्टर फिर फोटोसिंथेसिस फर्स्ट और फिर उसके बाद क्या है एन एच और एस पॉजिटिव आपको ये देखने को मिलेगा चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टी वारबर्ग इफेक्ट रेफर्स टू वारबर्ग इफेक्ट रेफर्स टू डिक्रीज़ फोटोसिंथेटिक रेट एट वेरी हाई ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन क्वेश्चन नंबर थर्टी फर्स्ट ये आपको स्टेटमेंट दी गई है आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट बिल्कुल सही है तो भाई फोटोसिंथेसिस फर्स्ट इज इन्वॉल्व इन ए नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्पुरेशन ओनली पी एस सेकेंड इज इन्वॉल्व इन बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्पुरेशन या स्ट्रोमा लेमिलांस प्रोसेस इज पी एस वन ओनली वेयर एज ग्रेना ग्रैना मेम्ब्रेन्स प्रोसेस बोथ पी एस फर्स्ट एंड पी एस सेकेंड तो थर्टी फर्स्ट का जो सही जवाब है आपका वो क्या है ओनली थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी टू क्वेश्चन नंबर थर्टी टू आपकी स्क्रीन पर है विच इज़ नॉट करेक्ट फॉर द साइक्लिक साइक्शन इनमें से कौन सा साइक्लिक फॉस्पुरेशन के लिए बिल्कुल गलत है तो थर्टी टू का यहाँ पर जो बिल्कुल सही जवाब है और वो क्या है आपका भाई फोटोसेंथेसिस फर्स्ट एंड फोटोसेंथेसिस सेकेंड आर इनवोल्व ये चीज साइक्लिक फोटोफॉस्पुरेशन के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी साइक्लिक फोटोफॉस्पुरेशन के अंदर केवल फोटोसिंथेसिस फर्स्ट ही यहाँ पर क्या है आपको इन्वॉल्व होगी क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री कैलविन साइकिल एक्सप्लेन द फॉलोइंग फॉर फिक्सेशन ऑफ थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो आपका यहाँ पर जो सही जवाब है वो क्या है नाइन ए टी पी एंड सिक्स एन ए डी पी एस टू इन अ कैलविन साइकिल थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल रिक्वायर थ्री मल्टीप्लाई थ्री इजकल टू नाइन ए टी पी एंड द टू इजकल टू थ्री इजकल टू दिक्स एन ए डी पी एस टू अब चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर आपको यहाँ पे क्लासिकल एक्सपेरिमेंट दिखा बताया गया है फोटोसिंथेसिस का आर एल हिल ने दिया था उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया था दैट एन एल्यूमिनेटेड इन विट्रो सस्पेंशन ऑफ आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट कुल प्रोड्यूस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ए हाइड्रोजन असैप्टर सच एज मिथाइलिन ब्लू इन दिस केस मिथाइलिन ब्लू इज रिड्यूस्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंडस रिप्लेसिज मिथाइलिन ब्लू इन दिस इंटैक्ट फोटोसेंथिसाइजिंग प्लांट तो आपका जो थर्टी फोर का जो सही जवाब है वो क्या है निकोटाइन अमाइन एडिनिन डाई निक्लोटाइड फॉस्फेट एन ए डी पी चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव की तरफ चलते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आगे अब द की कंपाउंड ऑफ कैलविन साइकिल इज की कंपाउंड आपको बताना है कौन सा है कैलविन साइकिल के अंदर पी जी ए पी जी ए एल डी एच ए पी या डी पी जी ए तो थर्टी फाइव का जो सही जवाब है वो क्या है पी जी ए

क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन है वो यूज प्रिज्म व्हाइट लाइट ग्रीन एल्गा क्लेडोफोरा एंड एरोबिक बैक्टीरिया एंड प्लॉटेड द एक्शन स्पेक्ट्रा फॉर फोटोसिंथेसिस तो उसका जो सही जवाब है थर्टी सेवन का वो क्या है एंगलमैन क्वेश्चन नंबर थर्टी एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट डज नॉट अकर इन द क्लोरोप्लास्ट कौन सा पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं होता कैरोटीन जेंथोफेल क्लोरोफेल बी या एंथोसाइन तो थर्टी एट का जो सही जवाब है वो क्या है एंथोसाइनिन है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन विच पिगमेंट इज वाटर सॉल्युबल क्लोरोफिल कैरोटीन एंथोसाइनिन या जेंथोफेल तो बता दीजिएगा भाई कौन सा पिगमेंट है वाटर सॉल्युबल तो थर्टी नाइन का जो सही जवाब है वो क्या है एंथोसाइन क्वेश्चन नंबर फोर्टी जनरली कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट लिमिटेड फॉर हाइड्रोफाइट्स तो इसका जो सही जवाब है फोर्टी का वो क्या है बी ऑप्शन है दीज प्लांट्स आल्सो कार्बन डाइऑक्साइड है इन द फॉर्म ऑफ एच थ्री क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन सस्पेंशन ऑफ आइसोलेटेड थैलाकॉयस इन कल्चर मीडियम कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर डज नॉट प्रोड्यूस प्रोड्यूसोज ड्यू टू दब ए टी बी एंजाइम प्रोटीन या हिल री तो फोर्टी वन का जो सही जवाब है वो क्या है एंजाइम फोर्टी टू स्टोमा इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ हायर प्लांट्स कंटेन लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम्स। क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री द लाइट हार्वेस्टिंग कंप्लेक्स इज मेड अप ऑफ द लाइट हार्वेस्टिंग कंप्लेक्स इज मेड अप ऑफ तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है हंड्रेड ऑफ पिगमेंट्स मॉलिक्यूल्स बाउंड टू प्रोटीन्स

from an excited chlorophyll molecule of photosystem second is quinone, cytochrome iron sulfur protein ya ferredoxin। redoxine to तो 45 ka jo sahi jawab hai wo kya hai Quinone। matlab मतलब the first acceptor of electron from an excited chlorophyll molecule of photosystem second is quinone। तो बच्चों ये तो थे आपके 45 multiple choice question जो कि बहुत ही important हैं आपके exam में कई बार पूछे जा चुके हैं चाहे net हो या आप इसकी बात करें पीजीटी की बात करें के की बात करें तो ये क्वेश्चन आते रहते हैं तो आप मेरी वीडियो को कम से कम शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहें अच्छे तरीके से देखें दो तीन बार देखें रिवाइज हो जाएंगे आपको ये क्वेश्चंस और अगर आप पहले विवर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आपसे कल फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ आज के लिए इतना ही काफ़ी है बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का